क्या छाछ इसका उपयोग लिंग कठोरता में होता है क्या, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग जब हमारे पास में आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकत्व या लिंग में कठोरता नहीं आना या टाइटनेस नहीं आना, उसके लिए जब लोग आते हैं तो उनके अनेक सवाल आते रहते हैं। मेरे चैनल पे भी काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आए कि कौन सा ड्रिंक अच्छा है, कौन सा जूस हम पी सकते हैं जिसके जरिए इरेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा, या शीघ्र पतन के लिए भी फायदा होगा, या फर्टिलिटी जो है मतलब उत्पादन क्षमता उत्पादकता उसमें कैसा फ़ायदा होगा, इसलिए पूछते रहते हैं। कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी वो बहुत फ़ायदे की है, तो कॉफ़ी आप पीते हैं तो फ़ायदा होगा, कॉफ़ी एडिक्टिव ड्रग है। मगर फिर ग्रेप जूस जो है, अंगूर का जूस, वो बहुत फ़ायदेमंद है, और बीट जूस ये आप रोज लेते हैं सोने के पहले, तो इसका फ़ायदा जरूर इरेक्शन में होता है। वैसे ही छाछ, योगर्ट, दही, कर्ड मतलब, तो ये भी आप लेते हैं रोज एक गिलास पूरा छाछ और दही आधा गिलास, या छाछ एक गिलास आप लेते हैं तो इसमें इरेक्शन में फ़ायदा होता है। स्टडीज ऐसा बताती है कि यदि आप दही लेते हैं, छाछ लेते हैं, तो उसका फ़ायदा लिंग की कठोरता में होता है, शीघ्र पतन में फ़ायदा होता है, और फर्टिलिटी में फ़ायदा होता है मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये तीनों भी लेना बहुत अच्छा है। मिल्क नेचुरली, दूध तो अच्छा है ही, उसमें प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, और दूध में फिर से वही कि फर्टिलिटी की क्षमता है मतलब फर्टाइल बनाने में फ़ायदा करता है दूध। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है, और उसके साथ साथ शीघ्र पतन और लिंग की कठोरता, इसमें भी दूध का फ़ायदा होता है। तो ये जरूर आप सेवन करते हैं तो इरेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। ये बहुत ही अच्छा और घरेलू उपचार है लिंग की कठोरता में और शीघ्र पतन के लिए। थैंक यू वेरी मच।